खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत हम करने जा रहे हैं हादसों के शहर मुंबई से, जहां पर एक और दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक 4 मंजिला इमारत गिरने से कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के डोंगरी में जब 100 साल पुरानी इमारत जमींदोज हुई तो मलबे में दबकर कई जिंदगियां मौत के आगोश में समा गई। एकदम बारिश आई, बारिश आने के बाद है ना बाद में एकदम हवा आई, हवा आने के बाद है ना एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज है ना तो बोले बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग सब भागे। कल दोपहर करीब 11:30 बजे ये हादसा हुआ। अनदेखी और लापरवाही का आलम दशकों से चल रहा है, नतीजा इस हादसे के रूप में सामने आया। ये महाड़ा की तरफ से वार्निंग नोटिस दिया गया है, 10 अगस्त 2017 के दिन दिया गया है टू ऑल टेनेंट्स एंड ऑक्यूपेंट्स, और जिसमें जिक्र किया गया है द बिल्डिंग इज इन डिलैपिडेटेड कंडीशन एंड अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कि इंसानों के रहने योग्य यह बिल्डिंग नहीं है, जर्जर हालत में है। और सभी टेनेंट्स ऑक्यूपेंट्स से निवेदन किया जाता है कि इस प्रीमाइसिस को, इस परिसर को खाली कर दें। कैसरवाई मेंशन नाम की इमारत में 15 परिवार रहते थे। कई परिवारों के लिए काल बन चुकी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट की इजाजत दी गई थी, जिसका काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अब सरकार दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीजें सामने आ जाए तो उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाएगा। मुंबई में इस तरह का ये कोई पहला हादसा नहीं है। संकरी गलियों में मौत की न जाने कितनी ऐसी इमारतें खड़ी हैं। और खास बात यह कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन देखिए लापरवाही रुकती नहीं, ये जाने बचाई जा सकती थी। देखिए मुंबई में हुए इस दर्दनाक हादसे में एक पल में हंसते खेलते कई परिवार बर्बाद हो गए। मौत सिर पर गिरी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। किसी का बच्चा मर गया तो किसी की माँ की जिंदगी खत्म हो गई। साल दर साल मुंबई में मौत की ऐसी इमारतें गिरती रहती हैं, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदलते। कुछ जिंदगियां मौत में तब्दील होकर बाहर निकल जाती हैं, तो कुछ मौत से बचकर भाग निकलते हैं। कुछ लोगों की किस्मत 23 साल के जीनत सलमानी जैसी भी होती है, जो मौत से टकरा कर भी सही सलामत बच जाती हैं। जीनत सलमानी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। रेस्क्यू के दौरान बड़ी मुश्किल से जीनत की जान बचाई गई। मुंबई के ऐसी संकरी गलियों में खड़ी मौत की ये इमारतें कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई परिवार तो ऐसे हैं जिसने एक से ज्यादा सदस्यों को खो दिया। 2012 से ये लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे को शिफ्ट करो कहीं पर, हमारी जान को खतरा है। अब ये एक तरीके से आप देखा जाए तो इनकी जान ही ली गई है इन लोगों की तरफ से। रेस्क्यू के दौरान एक बच्ची की भी तस्वीर आई थी, जो अब सुरक्षित है और जे अस्पताल में भर्ती है। सुबह 5:30 बजे भी एक महिला और 2 बच्चों को मलबे से निकालकर जे अस्पताल पहुंचाया गया।